प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, और सभी लोग ज्ञान बांट रहे हैं। एक मैसेज आ रहा है यूट्यूब पे, फॉरवर्ड किया जा रहा है कि टेम्परेचर 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 हो जाएगा और सारी दुनिया पिघल जाएगी। एंड वी आर फॉरवर्डिंग दैट मैसेज कंटिन्यूसली, कम से कम मिलियंस बिलियंस बार वो मैसेज फॉरवर्ड किया जा चुका है, बट ऑन द ग्राउंड नोबडी इज वर्किंग। कि हाँ, जो अपना टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली 40 से 45 और 45 से 50 देन 55, ये इंफॉर्मेशन है, सभी को मालूम है। अब उस इंफॉर्मेशन को लेके काम करना जरूरी है। सभी को मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड रियलिटी पे क्या काम करना है आप सभी को मालूम है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस बार जो सावन का महीना आएगा, बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, आप अपने आसपास के सराउंडिंग में एक पौधा जरूर लगाएं। ये और एक मैसेज और आ रहा है कि भाई एक एसी एक पेड़ के बराबर है। एक एसी एक पेड़ के बराबर नहीं है, हजारों एसी लगेंगे तब वो जाके एक पेड़ के बराबर होगा, क्योंकि जो एक पेड़ होता है वो कम से कम 60 70 80 साल, पता नहीं कितने सालों तक खड़ा रहेगा और आपको ठंडी हवा प्रदान करेगा बिना किसी मेंटेनेंस के। तो आप सभी से विनती है, केवल ज्ञानी बाबा मत बनिए, केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार मत कीजिए, प्रैक्टिकल रूप से उसको अपने जीवन में उतारिए। और सभी स्कूल के विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस बार हॉलीडेज में ये ध्यान रखें कि आप एक पौधा जरूर लगाएं एंड मेक इट वायरल ऑन सोशल मीडिया। आप अपने स्टेटस पे लगाएं, ये एक स्टेटस होगा, एक स्टेटस सिंबल होगा कि हाँ, हम अपने समाज को, हम अपने मदर अर्थ को बचाने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, और एक पौधा जरूर लगाएं और अपने स्टेटस सिंबल्स बनाएं। नमस्कार नमस्कार।